कथा यहाँ पर सुनाई गई आप लोगों को, पंडित जी ने कथा सुनाई। और ये जो यहाँ पर जो धारा ये निरंतर बहती रहती है हनुमान जी के ऊपर, ये ऐसे ही सदियों से बहती चली आ रही है। और ये कहाँ से आती है ये धारा, ये जल प्रवाह कहाँ से आ रहा है, इसका स्रोत क्या है, ये कोई भी आज तक पता नहीं लगा सका। और ये कहाँ को जाता है, इस बात का भी आज तक किसी को कोई अनुमान नहीं है। तो ये यहाँ का जो है दृश्य है। तो आगे बढ़ते हैं कुछ और रोचक जानकारियों के साथ। रसोई की तरफ बढ़ते हुए काफी ऊंचाई पर आ चुके हैं और भांजे साहब हमारे बहुत रोते हैं, ड्रामेबाज आदमी है, ऊपर चढ़ने में ड्रामा करता है, रो रहा है, तो उसको जबरदस्ती उठाकर ला रहे हैं जीजा जी। हम लोग इस समय सीता रसोई के आसपास है, लेकिन पहले दूसरी रसोई तो जलपान वगैरह। रसोई है और सीता रसोई का स्थान ये इसकी एक गुफा टाइप की है। देखते हैं अभी क्या है अंदर, देखते हैं सीता रसोई के अंदर क्या है। चलो भाई कृपया शांति से अंदर जाएं सीता रसोई। और ये कुछ मंदिर ये भी है, प्रवेश करते हुए बिट्टू चलो मेरा बिट्टा आ गए अंदर भाई आ गए। अब सीता रसोई की तरफ जो कि मुख्य द्वार है, यहाँ बढ़ रहे हैं हम अपनी बिट्टू के साथ। चलो भाई ये बिट्टू कहाँ गई, बिट्टू कहाँ गई, सीता रसोई काफी ऊंचाई पे है बिट्टू मेरी। और अभी वहां पर जाना है। To a secret place where only the moon can see beyond the shores। इस वक्त हनुमान धारा जी पर्वत पर सबसे ऊंची चोटी पर जो है विराजमान हूँ, आ गया हूँ। और यहाँ का नज़ारा, कुछ लोग जो गाड़ियों से आते हैं यहाँ पर, वो इस तरह से जंगल होते हुए रास्ता जो आपको दिख रहा है बाय रोड, ये सबसे ऊपर पहाड़ के सबसे ऊंची चोटी पर रास्ता ये, इसके बाद कुछ नहीं है। और यही रास्ते से लोग जो है नीचे से ऊपर गाड़ियों के थ्रू आते हैं और इधर से फिर यहाँ आ करके ऐसे, और ये रोड नीचे उतर गया है, यहाँ मार्केट वगैरह लगा है और नीचे मंदिर की ओर जाते हैं। तो पहले गाड़ियाँ ऊपर तक आती हैं चोटी पे, फिर नीचे जाती मंदिर पे। और जो लोग पैर पैर चल करके आते हैं, पैदल यात्रा करके जीने चढ़ के, तो उनको मंदिर पहले मिलता है, तो उसके बाद ऊपर सीता रसोई घर पे आते हैं। तो ये कुछ नज़ारा नीचे का है। सही बात है, हमारा पटुआ बहुत बोलता है, तुम सही कहती हो। To a secret place where only the moon can see।